मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो 75वें इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस कराची वुड की घटिया मेंटेलिटी से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। और आज इसी आजादी के दिन मैं आप सभी लोगों को देशद्रोही बॉलीवुड के कारनामे बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सभी को भी बहुत तेज गुस्सा आने वाला है। दरअसल आप सभी लोगों को आलिया भट्ट की फिल्म राजी के बारे में तो पता ही होगा, जो फिल्म वैसे तो हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर बेस्ड थी। और इसी को लेकर हरिंदर सिक्का ने बताया था कि मेघना गुलजार को इस फिल्म को बनाने देना ये मेरी जिंदगी की एक बहुत भारी भूल थी, क्योंकि अगर आप सब ने वो फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक भारतीय लड़की होती है जिसे रॉ का एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता है, और उसी लड़की की शादी एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर से करवा दी जाती है, जिसके ही बाद वो पाकिस्तानी आर्मी की सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे देश की एजेंसी रॉ को और हमारी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करवाती है। और ऐसा करते करते आलिया भट्ट हमारे देश की सरकार से, हमारे देश की एजेंसी से और हमारी आर्मी से बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाती है। लेकिन आपको जानकर शौक लग जाएगा कि हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, और फिल्म में जो दिखाया गया ये पूरे तरीके से मेघना गुलजार के दिमाग की उपज थी और कुछ भी नहीं। बल्कि बुक में तो ये बताया गया था कि वो लड़की पूरे तरीके से देशभक्त होती है, उसे अपने रॉ के ऊपर, अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फख्र महसूस होता है और वो अपने देश पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती है। और यहाँ तक कि जब उसके पाकिस्तानी पति को उसके रॉ एजेंट होने के बारे में पता चल जाता है तो ये उसको भी मार डालती है, और तो और उस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के साथ बाद में जब इनका बच्चा होता है तो उस बच्चे को भी इंडियन आर्मी में भर्ती करवा देती है। तो ये तो है असल रियलिटी जो मैंने आप सबको इस वक्त बताई है। दरअसल किताब की कहानी किसी और दिशा में जा रही होती है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले हमेशा की तरह बड़ी सफाई से उसमें गंद डालकर भारत की जनता के सामने परोस देते हैं। तो ऐसा तो है आपका बॉलीवुड जो कभी भी देश हित में फिल्में बनाता नहीं है, और उल्टा लोगों के दिमाग में गलत जानकारियां डालकर ब्रेन वॉश करने का काम करता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।